तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, मेरे साथ आप भी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करने से हमारी भक्ति बढ़ती है नित्य प्रति डेली, हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन से इस प्रकार से बोले। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलम् इदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्वा, कहां से आ गया ये बुरा विचार तेरे हृदय में, ऐसमय में, युद्ध की घड़ी में, युद्ध के मैदान में, जबकि युद्ध होने ही जा रहा है, बिगुल बज चुके हैं, शंख भेरी नगाड़े बज चुके हैं, बाण छूटने वाले हैं, हथियार उठने वाले हैं, गदाएं चलने ही वाली हैं, तलवारें खड़गने वाली हैं, इस घड़ी में, इस क्राइसिस में कहां से ये बुरे विचार, निम्न विचार, घृणित विचार, घिनौने विचार तेरे हृदय में प्रवेश कर गए। कुतस्त्वा, कहां से, इस घड़ी में ये विचार नहीं उठने चाहिए, ये तो बहुत घृणित विचार है, बुरे विचार है, ऐसे विचारों से तो इस समय नफरत करनी चाहिए, ये युद्ध की घड़ी है। कुतस्त्वा कश्मलम इदम्, ये बुरे विचार अर्जुन कहां से आ गए तेरे हृदय में, तेरे मन में, तेरे विचारों में, ये बुरे विचार कैसे प्रवेश कर गए, इन्होंने कैसे तुझको घेर लिया, ये कैसे तेरे ऊपर सवार हो गए, तू परम वीर है इस पृथ्वी का, ये निम्न श्रेणी के विचार, मोह ममता कहां से तेरे हृदय में जगह, घर बना गई, घर कर लिया इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका प्रवेश तेरे जैसे क्षत्रिय के हृदय में नहीं होना चाहिए, ये मोह, ये ममता, ये महावीर को शोभा नहीं देते। विस्मे समुपस्थितम्, ये युद्ध की घड़ी में ये शोभा नहीं देते, छोटे विचार, तुच्छ विचार, क्षुद्र विचार।
काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लालच, ये सब क्षुद्र विचार हैं, ये तेरे शत्रु हैं, ये तेरे हृदय में घर बना के बैठ गए, इनको तो तू मारने युद्ध क्षेत्र में उतरा है। ये मोह ममता का सर्वनाश करने के लिए, इस दुश्मन को मारने के लिए, इन बुरे विचारों को मारने के लिए तो तू युद्ध क्षेत्र में आया है, ये धर्म क्षेत्र में आया है, कुरुक्षेत्र में आया है। ये बुरे घृणित विचार, ये छोटे विचार तेरे हृदय में कैसे प्रवेश कर गए अर्जुन? कुतस्त्वा, ये कहां से आ गए? इनका तो सोचा ही नहीं था हमने कि तेरे अंदर ये विचार उठेंगे, तूने भी नहीं सोचा होगा। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये मैल, ये मोह माया, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मेसम उपस्थितम अनार्य जुस्तम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। हे अर्जुन, ये तो अनार्य पुरुषों के हृदय में प्रवेश करते हैं। तू तो आर्य है, तू आर्य पुत्र है, ये तो अनार्य पुरुषों के हृदय में, मन में वास करते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, जलन, लोभ, ये आर्य पुरुषों के हृदय में, आर्य पुरुषों के मन में, आर्य पुरुषों के रक्त में नहीं होती। तू आर्य पुरुष है, तू धर्म को पहचानने वाला पुरुष है, तू वेदों को जानने वाला पुरुष है, तू उस परम सत्ता को पहचानता है, तू सेल्फ रियलाइज्ड है, सेल्फ सिविलाइज्ड है, स्पिरिचुअल सिविलाइज्ड है। तेरे हृदय में ये बुरे विचार नहीं उठने चाहिए। ये तो अनार्य पुरुषों के हृदय में उठे तो क्षम्य है, क्षमा किया जा सकता है। तेरे हृदय में यदि ऐसे विचार उठे तो क्षमा नहीं किया जा सकता। ये विचार आर्य पुरुषों के हृदय में नहीं उठते, ये अशोभनीय विचार है, ये आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देते। ये काम, संसार को भोगने की इच्छाएं, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, ममता, भ्रम, माया, ये आर्य पुरुषों के हृदय में शोभा नहीं देते, आर्य पुरुषों के विचारों में ये शोभा नहीं देते, प्रवेश ही नहीं होना चाहिए इनका। अनार्य जुष्टम, ये तो झूठे हैं, ये विचार तो झूठे हैं। अनार्य पुरुषों के हृदय में तो आ सकते हैं जो नॉन सिविलाइज्ड है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को कतई नहीं जानते। दे डोंट नो द पर्पज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, दे डोंट नो व्हाट इज द स्पिरिट सॉल, व्हाट इज परमात्मा, व्हाट इज परमेश्वर। दे नो ओनली मुंडेन मैटेरियल गेन्स, दे आर नॉन सिविलाइज्ड स्पिरिचुअली, दे डोंट नो अबाउट लिबरेशन, हाउ टू गेट, दे डोंट नो, दे नो ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैडली लाइक ए हॉग एंड डॉग, एंड क्विटिंग दिस बॉडी एंड ऑफ द लाइफ लाइक ए डॉग एंड हॉग आफ्टर एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन।
foolishly, madly. They are anarya. You are, hey Arjun, तू आर्य है, तू धर्म को पहचानता है, जानता है, तू क्षत्रिय है, राजपुत्र है, महावीर है. कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा परम भक्त है, तेरे हृदय में ये हीन विचार कैसे उठे, ये क्षुद्र विचार कैसे आए, ये हृदय की दुर्बलता कहां से प्रवेश कर गई, ये मोह ममता. कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम. ये तो झूठे हैं ऐश्वर्यम. इन विचारों से तो तू ऊपर के लोकों की प्राप्ति तो छोड़ दे, भूल जा. उच्चतर लोकों की प्राप्ति तो भूल जा, लिबरेशन तो बिल्कुल ही भूल जा. बल्कि ये पृथ्वी पर भी शायद तुझे मनुष्यों ने दोबारा नहीं प्राप्त हो. कुतस्त ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुना. इन विचारों के वशीभूत अगर तू हो गया तो तेरी कीर्ति संसार में फैलेगी, भूल जा. इससे तो अपकीर्ति फैलेगी, अयश फैलेगा. क्षत्रियों के नाम पर तू एक कलंक साबित होगा, क्षत्रियता के नाम पर तू एक कलंक, एक धब्बा होगा. अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना. ये कर्म तो तेरी प्रसिद्धि के लिए बाधक है. यदि इस कृपणता से, ऐसी हीनता के साथ, हीन विचारों के साथ, ये बुरे विचारों के साथ तू जिएगा तो तेरा जिया जीना भी मुर्दे के समान होगा. कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुन. जय गोपाल. जय गोपाल. भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये विचार बुरे हैं. क्लेद्यम मा इस्मगमः पार्थ नहि तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा. हे परंतप, हे चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, हे दुश्मनों में भगदड़ी, दुश्मनों को खदेड़ देने वाले महावीर, तेरे भय से दुश्मन कांपते हैं, ये दुष्ट कांपते हैं, ये आताताई कांपते हैं, ये काम क्रोध मोह ममता, ये लोभ ईर्ष्या, ये अहंकार मद तेरे भय से भयभीत होते हैं. तू महावीर है, परम वीर है इस युद्ध क्षेत्र में. भगवान तो कहना चाहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं यहां पर कि तू मेरा मित्र है. तू मेरा परम भक्त है. मेरे मित्र के और मेरे परम भक्त के हृदय में ऐसे तुच्छ विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं सोचा कि उठेंगे. कुतस्त्वा, कहां से विचार आ गए अर्जुन.
क्लैब्यम गार्थ नए तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। हे परंतप, तेरे भय से दुश्मनों में भगदड़ी मच जाती है, अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। ये दुश्मन विचार कहां से आ गया? ये छह शत्रु प्रधान हैं मनुष्य के सामने, काम क्रोध मद मोह मत्सर और लालच। ये मोह जो तेरे को घेर लिया है, मोह ये तो तेरा शत्रु है, ये तो मनुष्य का शत्रु है। तो फिर तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, तेरे अंदर ये मोह और मेरी हाजिरी में, मेरी उपस्थिति में। भगवान तो कहना तो ये चाहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं, या नहीं कहेंगे, इस स्थिति इस समय नहीं कहेंगे कि मेरी उपस्थिति में इतने तुच्छ विचार मेरे मित्र के हृदय में। अरे मेरी अनुपस्थिति में भी ये विचार मेरे मित्र और मेरे भक्तों के हृदय में नहीं उठते। तू मेरा परम भक्त है, तू मेरा मित्र है, परम मित्र है मेरा, तू अंतरंग सखा है मेरा। तेरे हृदय में विचार क्लैप्यम, ये तुच्छ विचार, ये हीन भावना, ये अशोभनीय भावना जो एक पुरुष के हृदय में नहीं आनी चाहिए, जो अपने आप को मर्द कहता है उसके हृदय में ये नहीं उठनी चाहिए। कोई नामर्द हो और उसके हृदय में उठे, कोई कायर हो, कोई डरपोक हो, कोई घिनौना कर्म करने वाला हो, कोई नीच कर्म करने वाला हो, उसके हृदय में ऐसे विचार उठे तो बेशक उठे। क्लैब्यम इसम गमह पार्थ नए तत्व उपपद्यते, तुझे ये शोभा नहीं देते, तेरी इसमें ये तेरा स्वरूप ही नहीं है, ये अर्जुन का स्वरूप ही नहीं है। यदि ऐसे विचार तेरे हृदय में आते तो तू अर्जुन ही नहीं है, मर मिट गया फिर तो अर्जुन। न उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देते ये अर्जुन जैसे महावीर के लिए, परम तप के लिए ये शोभनीय नहीं है। क्लैब्यम इसम गमह पार्थ नए तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अरे मेरे भाई, तेरे हृदय में, तेरे विचारों में ये जो दुर्बलता प्रवेश कर गई है, ये वीकनेस कमजोरी पकड़ गई है, ये तुच्छ भावना जागृत हो गई है, इसको तो त्याग दे, त्यक्त, इसको तू निकाल फेंक, बाहर निकाल दे, इस युद्ध भूमि से बाहर फेंक दे और खड़ा हो जा, उठ, खड़ा हो जा, उठा गांडीव, चला तीर, मार इनको, ये हाथाताई है, ये मेरे गुरु संदीपनी के तुल्य द्रोणाचार्य नहीं है, ये हाथाताई है, द्रोणाचार्य अपने पेट पालने के लिए नमक खाया है कौरवों का, इसलिए ये नीचों का साथ दे रहा है, ये आताताइयों का साथ दे रहा है। सोई भीष्म पितामह तेरा बाबा कर रहा है, क्योंकि हस्तिनापुर इसका, इसको रोटियां खिलाता है, इसको रहने को जगह देता है महलों में, ये वचनबद्ध है, झूठी वचनबद्धता उसके कारण से, अपनी परवरिश के कारण से ये आतताइयों का साथ दे रहा है, ये दुष्टों के साथ पक्ष में लड़ रहा है। उठा तीर, उठा गांडीव,
कर दे छलनी छलनी इनको, बेद दे इनके सीने। तक तो तिष्ठ परंतपा, उठ परंतप, खदेड़ दे इन दुश्मनों को, इनका नामो निशान मिटा दे जमी से, यदि ये तेरे सामने खड़े होते हैं युद्ध के लिए तो। खड़ा हो। क्लद्यमा इसम गमा पार्थ नए तत्व उपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। शाबाश, खड़ा हो जा। अर्जुन को खड़ा करने के लिए बहुत समय लगेगा। पूरी भागवत गीता, पूरा ज्ञान उपदेश, पूरी तरह से शंका समाधान करनी पड़ेगी अर्जुन की। अर्जुन ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाएगा। अर्जुन बड़ा कल्याणकारी भक्त सिद्ध हुआ है धरती पर। अर्जुन ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा जो आप सबके हृदय में हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान के मुख से मांगेगा, जिससे आप सबका, आपकी पीढ़ियों का, आने वाले युग युगांतर को लाभ मिल सकेगा। धन्य है अर्जुन, और धन्य है अर्जुन के प्रश्नों को, और धन्य अर्जुन के भ्रम को और मोह को और मोहग्रस्त होने को। अर्जुन आज मोहग्रस्त नहीं होता तो ये गीता सामने नहीं आती। आती तो किसी और रूप से होती, इस रूप से नहीं होती जिस रूप से आप पान कर रहे हैं, रस पान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, ज्ञान का पान कर रहे हैं, आत्मज्ञान का पान कर रहे हैं। गीता आत्म साक्षात्कार कराने में पूर्ण समर्थ है, भगवत ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है, सृष्टि का ज्ञान कराने में, हर क्षेत्र का ज्ञान कराने में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। इसलिए महान संतों ने श्रीमद् भागवत गीता को सिर पर धारण किया है। सनातन धर्म की श्रेष्ठ महिमा है श्रीमद् भागवत गीता। महिमा शाली ज्ञान इसके अंदर समाया है। अर्जुन खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में यदि यह घटना घट गई कि भीष्म मर गया या द्रोण मर गया या कृपाचार्य या अश्वत्थामा या द्रोणोधन दुशासन, जो भी इनके पक्ष में खड़े हैं, जो जो भी मर गए तो अवश्य उनका उद्धार हो गया, ये समझ लीजिए आप। कृष्ण ये कहना चाहते हैं अर्जुन से, लेकिन सीधा नहीं कहेंगे, बहुत समय लगाएंगे इस बात को कहने में। आप सुनते जाइए सत्संग, आपको सब कुछ मालूम चलेगा, सारा ज्ञान आपकी झोली में आ जाएगा, उस प्रभु का प्रेम आपकी झोली को भर देगा, उस प्रभु परमेश्वर की जानकारी से आप लबालब हो जाएंगे। कर्म क्या है, धर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे ऐशुभात कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। आपको मालूम चलेगा कर्म क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, सन्यास क्या है, त्याग क्या है, दान क्या है, यज्ञ क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, सबकी जानकारी श्रीमद् भागवत गीता से, भागवत गीता के सत्संग से,
श्रद्धा और सब्र के साथ सुनने से आपको मिलेगी, आपको परम लाभ मिलेगा जीवन का। आप एक भगवान के भक्त की तरह इस शरीर को त्यागेंगे अंत समय में, तो आपको उसका धाम भी मिलेगा, वो भगवान साक्षात मिलेंगे, वो आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखा रखी है कभी की, सिर्फ हम नहीं देख पा रहे, हमारे नेत्र देखने में सक्षम नहीं है। ये भागवत गीता सक्षम बनाएगी आपके नेत्रों को। जय गोपाल।